कोरोना काल में लंबे समय से बच्चे स्कूली गतिविधि से दूर हैं। ऐसे में उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है। अब कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है, लिहाजा आने वाले समय में बच्चों के भी स्कूल खोले जाएंगे। लिहाजा दोबारा स्कूल भेजना पेरेंट्स के साथ टीचरों के लिए भी चैलेंजिंग है। पर जैसे ही विद्यालय खुलता है तो उनको एक समस्या ये आएगी कि उनको सुबह उठना पड़ेगा, जो सबसे कठिन काम होगा उनके लिए, और तैयार होकर स्कूल आना। प्राइमरी के बच्चे जो हैं, तीसरी चौथी के, वो तब भी थोड़े समझदार रहते हैं, पर पहली दूसरी के बच्चों के लिए ये और कठिन हो जाएगा कि हम इतने जल्दी उठ के स्कूल विद्यालय कैसे जाएं, और फिर उनको शुरू से, जैसे प्री प्राइमरी में उनको टैकल करना पड़ता है, शायद टीचरों को उसी प्रकार से उनको टैकल करना पड़े, क्योंकि उनको उतना समय मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ना या विद्यालय का माहौल की जानकारी पूरी तरह से नहीं हुई है, और उसको फिर से उसमें ढलना बहुत कठिन काम है, चुनौतीपूर्ण होगी। पहले क्या था कि स्कूल लगते थे तो स्कूल के समय बच्चा सवेरे प्रातः काल में जल्दी उठ जाना, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर अपने स्कूल की तैयारी करे और 3 से 4 घंटा विद्यालय में रहता था। अब परिस्थिति यह है कि आधे आधे घंटे के 3 कालखंड में उसकी जो पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई में ऑनलाइन वीडियो से या मोबाइल से या गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। शेष समय बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, दिनचर्या बिगड़ गई है, क्लासेज उनकी 9:30 बजे शुरू हो रही तो बच्चा 9 बजे सो के उठता है, तो ये परेशानी जा रही है। छोटे बच्चे आ भी नहीं रहे हैं और अभिभावक भी परेशान हैं कि घर पर बच्चे हैं, वो अभिभावक चाहते हैं बच्चे विद्यालय आएँ, लेकिन कोरोना कारण से बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। मोबाइल में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो ज़्यादा वीडियो गेम ज़्यादा खेलते हैं, ऐसे अभिभावक की शिकायत है। क्या 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 शिकायतें रहती है बच्चों की? शिकायत अभिभावक शिकायत है कि बच्चे मोबाइल में पढ़ाई कम, वीडियो गेम खेलना, अन्य गतिविधि ज़्यादा, उसमें उनका ध्यान रहता है बच्चों का। अभी जैसे फिर से शिक्षण सत्र शुरू होता है, बच्चे विद्यालय में आएंगे तो उनको जो अवधि है विद्यालय की, उस अवधि में घर से अलग विद्यालय में रहना पड़ेगा, तो एक तो उनको ये लगेगा कि बहुत समय विद्यालय में हो गया, और दूसरा पॉजिटिव ये भी है कि जो उनके छात्र मित्र हैं वो अभी 1 साल से अलग हो गए हैं, उनसे फिर से परिचय बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और परिचय हो जाने के बाद में विद्यालय वैसे ही उनके लिए फिर से सुखकर हो जाएगा। कोरोना काल में बच्चों के रहन सहन में काफी बदलाव आया है। लंबे समय से घर पर रहने से वे काफी बोर हो गए थे। जब वे स्कूल जाते थे तो उनका मन दोस्तों के बीच ज्यादा लगता था, लेकिन समय ने काफी कुछ बदल दिया है। नहीं गए होगे, बंद था ना स्कूल, तो मजा आ रहा था घर में? इतना भी नहीं मजा आया था। इतना भी नहीं आया? क्यों नहीं आया मजा बताओ? घर में कुछ करने को ही नहीं मिलता। अच्छा, पढ़ने को तो मिलता है? पढ़ने के अलावा भी कुछ नहीं है। अच्छा, मजा आ रहा है घर में? ज्यादा नहीं। क्यों नहीं आता मजा? अरे कुछ है ही नहीं खेलने के लिए बाहर भी। अब बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहा है। अच्छा, बोर होने लगे? तो यस। कैसे बोर हो जाते हो, क्या करते हो बोर होते? मतलब कि टीवी में भी पूरा देख चुके हैं और बाहर भी नहीं जा सकते, इसीलिए हम यहाँ पास आ जाते हैं। स्कूल में मजा आती थी और अभी भी मतलब मजा आ रही है, लेकिन उतनी नहीं आ रही, स्कूल की याद आती है। दोस्तों से कम मिलने और घर में ज्यादा रहने से बच्चों के स्वभाव में बदलाव आया है, उनमें चिड़चिड़ेपन जैसी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बच्चों की साइकोलॉजी माँ बाप या टीचर के अलावा सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं तो उनके साथी ही समझते हैं। अपना सुख दुख जो शेयर करने की भावना हर वर्ग के लोगों की होती है तो बच्चे की भी होती है कि अपने साथ के लोगों को, सहपाठियों से, अपने मुल्क के बच्चों के साथ अपनी बातें करें, खेले कूदें और अपने आप को टेंशन फ्री करते हुए आगे की योजनाओं को बनाएं। तो मेरा मत यही है कि आने वाले समय में जैसे अब स्कूल खुल गए हैं और खुलेंगे तो बच्चों के टेंशन में काफ़ी कमी आएगी, उनका जो एक विकास चक्र में जो थम सा गया था उसमें विकास लगातार उन्नति करेगा। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि स्कूल खुलने के बाद एक बार फिर से बच्चों को स्कूली जीवन में ढालने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, एक सामूहिक कोशिश करनी होगी जिससे हमारे बच्चे दोबारा अपनी पुरानी डेली लाइफ के लिए अनुकूलित हो जाएं। विशाल कुमार झा, ईटीवी भारत, बिलासपुर।